Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मुकाम न्यूज, मतलब खबरें आपकी काम की। जी हाँ, जिस देश में औरत को देवी का दर्जा हासिल है, वहाँ आजकल उनके साथ यौन हिंसा से लेकर शोषण तक की घटनाएं आम हो चली है। हैदराबाद और उन्नाव कांड में इसकी विभत्सा का एक उदाहरण मात्र है। हालात तो यह है कि आज के माहौल में महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पाश्विकता के कारण हमें हमारी परंपरा व संस्कार से खुद को अलग करना भी है। आज अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हर भौतिक सुख सुविधा दे रहा है, मगर अगर कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो वो है उनमें संस्कार, जिसकी आज के दौर में काफी जरूरत है। बहरहाल, जिले की वरिष्ठ महिला अधिवक्ता पुतुल पाठक के संयोजकत्व में ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय सभागार में आयोजित नारी सुरक्षा विचार मंथन कार्यक्रम में इस विषय पर सभी ने अपनी बेबाक राय रखी। संगीता चिंतरास ने कहा कि बदलते दौर में नारी दिनों दिन असुरक्षित होती जा रही है। खुलापन, फैशन डिजाइनिंग, उच्च शिक्षा, धन संपन्नता आदि होने के साथ साथ कई नई समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। लड़कियों एवं सभी नारियों को समाधान ढूंढना होगा। नारी की महिमा सभी गाते हैं, सभी घरों में माँ बहन एवं पत्नी है। आदर और सम्मान की परंपरा खत्म होती जा रही है। भारतीय संस्कृति के मार्ग में भी ही समाधान है। वहीं कईयों ने बलात्कारियों को खुलेआम फांसी तक देने की मांग की। आइए सुनते हैं इनके विचार। बच्चे को भी संस्कार देना है, लड़के को भी संस्कार देना है। अगर हम खुद टीवी बैठ के देखेंगे तो वो भी तो बच्चे देखने लगेंगे। तो हमको पारिवारिक माहौल ये करना होगा लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, बस मैं यहाँ कि वो आगे चल के मेरा बेटा ही कल किसी दूसरे लड़के के साथ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग माँ देश दूसरे देश से कोई बलात्कार, ऐसा नहीं होता। किसी का बेटा आता शोषण करने वाला और शोषित होने वाला हमारे परिवार की बेटी। इसका मतलब मेरा है कि वैज्ञानिक संस्कार हम लोग भारत देश में रहते हैं, संस्कृति का देश है, एवरडेस स्कूल में होना चाहिए पहला पॉइंट। दूसरा कि डीएम साहब से मैं मांग करूंगी कि सभी बच्चियों को स्कूल में सेल्फ डिफेंस का जो ट्रेनिंग हो, हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो उसको मेरा दो ही पॉइंट था मैडम, एक मेरा दो ही पॉइंट था कि शिक्षा और कहीं और सेल्फ डिफेंस का बोल दिए ना, सारे स्कूल में बच्चियों के लिए होना चाहिए कि खुद का वो सुरक्षा कर सके। वो तो जेंट्स लोग का ले लो, और इस पे जो है मेरा अपना व्यक्तित्व है। वैसे आप सभी का हम तो पहले विचार है कि चाहते हैं जैसे पेपर खोलते हैं पहले पेज पर लगता है कि आज कौन सा जिला है। जब देखते हैं मोतिहारी नहीं है तो थोड़ा सुकून मिलता है। अभी बचे हुए तो हमेशा यह देखना कि मार दिया और जला कर फेंक। हम लोग थोड़ा विषय से भटक गए बातचीत के क्रम में और एक ही पॉइंट पर हम लोग पूरा एनर्जी दे दिए। जैसे खाने के थाली में आपसे दाली खाली चावल छोड़ दिए, चटनी छोड़ दिए, वो हालत तो सबसे बड़ी समस्या से तो कभी है उससे हो रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा। पहले सेकेंड पेज में होता था, थर्ड पेज में होता था, अब हम हेडिंग में आ गए, हाईलाइट में नहीं हो जाता। टीवी पर ऑलरेडी यहाँ क्यों समस्या, ये सोचने की बात कि हमारे रहन सहन हमारे देश के कानून में ऐसी एकरा कौन सा चमत्कार हो गया कि अब लड़कियां सिर्फ जलाने की चीज बच गई, और वो भी सीधे ना जलाते, उसको छिन्न भिन्न करके पहले उसके आत्मा को मारो, फिर उसके शरीर को मारो, और उसको ऐसा प्रताड़ित करो कि ऊपर जाकर बोले ईश्वर को कि हमको दोबारा लड़की को, और इस हालत में ला के उसको जला के खत्म करो, और ऐसा खत्म करो कि कानून इधर से बन गई है मजबूर कि भाई जैसे दोषी मिलेगा उसको फांसी मिलेगा। अब दोषी की पहचान ही ना हो, क्यों नहीं हो पहचान? ये सही बात है, जब कोई घटना घटती है कोई मारा तो होता भाई किसको मारा, जख्म दिखाते हैं, चोरी हुआ तो पुलिस आकर अलमीरा देखता है कहाँ खाली हो गया,
तोड़ फोड़ हुआ तो घर कहाँ टूटा, दीवार कहाँ टूटा। अब लड़की का साथ रेप है तो विक्टिम का होना मत। अगर हम कहते हैं कि लड़की को हुआ तो पुलिस ने की कौन सी लड़की कहाँ, तो लड़की पहले दिखनी चाहिए। लड़की दिखे तो उसका जख्म दिखना चाहिए, उसके पास ज्यादती हुई है इसका प्रमाण दिखना चाहिए। लेकिन ये जो दो तीन घटनाएं घटी हैं उन्नाव वाली, तो लड़की बहुत ही बहादुर लड़की थी और रियली दुर्गा के अवतार हम उसको मानेंगे, जो आग लगाने के बाद भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ के कानून को मदद कर रही है। ये जज्बा हर किसी के पास नहीं है, ये हिम्मत कि हम अंत तक वो जान रहे थे कि नहीं बचे, फिर भी उसको था कि हम बता तो दे दोषी कौन है। तो यह चीज अभी अभी हमारे पास ये सबसे ज्वलंत जो जल रहा है, देखिए ये लड़की नहीं जल रही है, ये हमारा समाज जल रहा है, हमारे दिमाग में जलन हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि आप समझ रही हैं कि आप सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रही हैं, कार से जा रही हैं, इंसिडेंटली आपकी कार एक्सीडेंट हो जाती है, ऐसा एक्सीडेंट होता है ठीक है बहुत सेफ है, आप ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, वो ड्राइवर भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, आपको बचाने की हालत में नहीं है, और आसपास के कुछ ऐसे जल्लाद मिल जाए तो क्या आप लाख रही से करोड़ में रहने वाले लोग हैं, आपका शरीर सुरक्षित घर तक आ जाएगा, दाह संस्कार हो जाएगा। तो ये हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो प्रियंका से प्रियंका नहीं, वो हम भी हैं, अब भी हैं, ये भी है, कोई भी। हम घर से निकलते हैं, ट्रेन चढ़ने जाते हैं, तो रह गया बात कि कपड़े को दोष दे के हम लोग निकल जाएं, ये कहीं से नहीं क्योंकि हमारा धर्म है महाभारत, उस समय भी हमारी बेटी को सरेआम भेजा किया गया था, उस समय भी उनका बलात्कार हुआ था, और ये पुरुष समाज जो है उसका साक्षात उदाहरण था, पुरुष समाज के बीच में हमारी द्रौपदी को जो है सो चिरहानि किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं अगर बेटियों का बलात्कार होता है तो कहीं ना कहीं उसके अगर मन समान को ठेस लगता है, उसे दबाया जाता है, पुतला जाता है, तो वो पिता होते हैं, भाई होते हैं, नहीं तो किसी का बेटा होते हैं, होते तो है पुरुष ही। कमीना है, उसकी पत्नी का पीछे का ब्लाउज का गला एक हाथ का, रे वो किसको तुम दिखा रही हो? हमारा धर्म कहता है मुस्लिम, देखिए कोई भी धर्म हो उससे आप सीखिए, मुस्लिम हमारे विद्यालय में लड़की सब तीसरा में पढ़ती है, चौथा में पढ़ती है, यहाँ तक उसका बाजू रहता है, पूरा समीज रहता है, दुपट्टा से सब ढका रहता है, हमारा साड़ी पता न कहाँ गया, हम राजनीतिक पार्टी में ही जाते हैं, अरे वाह वहाँ देखिए फैशन, पति के पास फैशन करके जाने का फुर्सत नहीं, काजल होगा यहाँ से यहाँ तक, लिपस्टिक होगा यहाँ से, अगर ब्लाउज का गला इतना बड़ा है, और ये पल्ला जो है, ये पल्ला जो खर्चा करते ये पल्ला इतना आता है, अरे किसको दिखा दिए, किस नेता को दिखा दिया? अपना पति को तो दिखाने के लिए, अपना पति से बात करने के लिए फुर्सत नहीं इस जमाने में, सुबह से शाम तक काम ही काम है, हम कहीं भी जाए बहुत बहन बैठी है, अब मेरे बारे में कोई क्या कहता होगा हम क्या जाने, लेकिन फिर भी हम इतना सावधानी जरूर रखें अपने जीवन में, 30 साल से सारोनी हुई कि बाहर जाए तो कम से कम कपड़ा ढंग से पहने, हम कपड़ा ढंग से पहनेंगे तो हमारे ऊपर किसी का नजर कम जाएगा, लेकिन अरे आजकल बाप को देख रहे हैं, माँ को तो, माँ भी ऐसा ऐसा ड्रेस, एक कल बहन हमको बोले थे, नाम नहीं बोलेंगे, वह शिक्षिका भी है, एनजीओ में भी जाती है, एक बहन बोल रही है तेरे उसके यहाँ गए तो बेटी को देख के सर झुक गया, इतना बड़ा पानी थी और नीचे वाला इतना पानी था, तो अभी कानून बार बार ज्यादा लंबा नहीं ले पाएंगे, कठोर कानून कौन बनाएगा, लोकसभा बनेगा और विधानसभा में बनेगा, कौन बनाएगा, जब चरित्रवान लोग, वहां तो स्वयं ही वैसे भरे लोग हैं, नार्को टेस्ट कराइए उन सारे विधायक एनजीओ को, और तब देखिए कि कई वो उस सब बलात्कार किया और कितना 76 का केस उस पर हो रहा है। अगर रहना चाहते हैं हर जानकारी से अपडेट तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज प्लीज, और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूले। न्यूज़, शिक्षा, नौकरी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी खबरें व ट्रिक सिर्फ यूथ मुकाम।